राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अपनी तरफ से भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए, मेरे ऊपर मत रखो यार। जयराम जी हमारे मुख्यमंत्री, वो हमारे साथ रहे, उनके परिवारजनों से भी मिलने का मौका मिला। 5 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री जी के साथ अस्पताल में उनको देखने आया था। उस समय वो रिकवर कर रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर ने कुछ और ही रचा था, वो हमारे बीच में आज नहीं है और काल ने उनको हम सबसे छीन लिया है। ये बहुत ही दुखद घड़ी है। हमारी राजनीतिक विचार अलग अलग थे, लेकिन फिर भी उनके प्रति सम्मान और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मुझे मिला। मैं ये कह सकता हूँ कि वी एग्रीड टू डिसएग्री, बट वी रिस्पेक्टेड ईच अदर्स सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स। तो उन्होंने एक, और मैं तो ये मानता हूँ कि देश की भी क्षति है, और कि एक बड़ा नेता जिसने हिमाचल के लिए बहुत कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया, वो हमारे बीच में नहीं है। और दूसरी बात कि व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए भी क्षति है, क्योंकि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो मुझे विपक्ष का नेता बनने का यहाँ मौका मिला विधानसभा में, और बहुत कुछ उनसे सीखने का भी मौका मिला। ही वॉज माई गाइड ऑल्सो एंड हैड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग बोथ ऑफ अस। तो आज मैं मानता हूँ कि एक ऐसे शख्सियत को हिमाचल प्रदेश ने खो दिया है, जिससे हिमाचल प्रदेश ने लाभान्वित भी हुआ, और यह क्षति प्रदेश की भी है और व्यक्तिगत तौर पर। अगला क्या कार्यक्रम है?